हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी न्यूज़। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म की हसीन एक्ट्रेस मंदाकिनी के बारे में। पर उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द रेड बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कुछ ही फिल्मों में काम करने के बाद मंदाकिनी ने फिल्मों को अलविदा कर दिया था और ग्लैमर इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। और दोस्तों, आज भी उनके फैंस उनकी खूबसूरती के कायल हैं और वो उनके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अब मंदाकिनी पहले जैसी नहीं रही, वो बहुत बदल गई है। और दोस्तों, इन दिनों मंदाकिनी की लेटेस्ट फ़ोटो खूब वायरल हो रही है। दोस्तों, मंदाकिनी इन तस्वीरों में काफ़ी बदली बदली लग रही हैं। और दोस्तों, एक्ट्रेस की जो लेटेस्ट फ़ोटो सोशल मीडिया पर सामने आई है, उसमें वे ब्लू कलर का कढ़ाईदार कुर्ता, सफ़ेद रंग की चुनरी और आँखों पर गॉगल लगाई दिखाई दे रही हैं। और दोस्तों, अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की तस्वीरों को फैंस खूब पसंद करते हैं और ये तस्वीरें मंदाकिनी के इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा की गई हैं। वैसे तो दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ मंदाकिनी ग्रेसफुल हो गई हैं, लेकिन उनके फैंस उन्हें स्टनिंग और ब्यूटीफुल बता रहे हैं। दोस्तों, अगर मंदाकिनी के पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका नाम एक समय में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी जोड़ा गया था और कहा जाता है कि इसी वजह से मंदाकिनी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ दिया था। और दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद मंदाकिनी ने पूर्व बुद्धिस्ट मॉन्क डॉक्टर कगियो टी रिम्पोचे ठाकुर से शादी कर ली। और दोस्तों, अगर लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो अब मंदाकिनी दलाई लामा की फ्लोअर बन चुकी हैं और तिब्बत में योग क्लासेस चलाती हैं। इतना ही नहीं, वे तिब्बत में दवाइयाँ भी बेचती हैं। और दोस्तों, मंदाकिनी ने अपने फिल्मी करियर में आग, शोला, अपने अपने, प्यार करके देखो, हवालात, नया कानून, दुश्मन जैसी फिल्मों में काम किया है। और दोस्तों मंदाकिनी आखिरी बार 1996 में फिल्म जोरदार में नजर आई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।